मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इस तरह से पेस्टिंग बुकरम हमने लिया है, लंबाई इसकी 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 7 इंच। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से नेक की चौड़ाई देखेंगे और ऐसे ही नेक की लंबाई पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको राउंड में करेंगे। ऐसे ही दरमियान में 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 1 इंच पर दोबारा से निशान लगाएंगे। 2 इंच दरमियान में जो हमने निशान लगाए हैं ये डिज़ाइनिंग के लिए लगाएंगे, इस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे और दोबारा से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम कुर्ते पर नेक बनाएंगे, जब बड़ा नेक बनाते हैं या कुर्ते पर बनाएंगे। अब हम मार्फ के ऊपर कटिंग करेंगे, सारे पीस अलग करेंगे। इस तरह से ये जो बड़ा नेक बनाया है ये कुर्ते पर लगाएंगे और दरमियान वाले नेक पर डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से फैब्रिक पर लगाने के बाद साइड पर ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कुर्ते के दरमियान में रखकर सिलाई करेंगे। इस तरह से सीधी साइड पर रखकर सिलाई करेंगे। इस तरह से किनारे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको नीचे वाली साइड पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से नीचे वाली साइड पर फोल्ड करेंगे। अब 1 इंच पट्टी हमने ली है और इसको डबल फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी बनाएंगे। पूरी पट्टी सिलाई करने के बाद दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह ये पट्टी सिलाई करके हमने रेडी कर ली। अब हम पेपर पर ये दरमियान वाला ये नेक हमने बनाया था इस तरह से रख कर लाइन ड्रा करेंगे और जो डोरी है हमने ये पट्टी सी बनाई है इस तरह से रखते हुए दोनों साइडों पर आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे। 2 इंच दरमियान में तो 1 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से पूरी पट्टियाँ हम कट करेंगे और एक किनारे से इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पहली पट्टी हम दरमियान से लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर वाली साइड पर जोड़ कर रखेंगे और नीचे वाली साइड पर थोड़ा सा फैला देंगे, क्योंकि नीचे वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। इस तरह से दरमियान से लगाना स्टार्ट करेंगे और पट्टी साथ जोड़ जोड़ कर लगाएंगे। इस तरह से दरमियान में खला नहीं देंगे, बिल्कुल साथ जोड़ कर ये पट्टी रखेंगे। इस तरह से देखकर ये नेक डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इजीली ये नेक डिज़ाइन घर में बना सकते हैं।
अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप ये नेक्स्ट साइन अपनी टेलर से बनवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रखने, जैसे ही आपने कोई सोर्स सिलाई करते वक्त इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाना हो तो देख कर बना सकते हैं। एक साइड पर लगाने के बाद ऐसे ही दूसरी साइड पर लगाएंगे, इस तरह से पट्टी जोड़ कर रखेंगे। ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे नेक पर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। समर सीजन में, विंटर सीजन में या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन पर आप इस तरह के नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद का फैब्रिक लेकर अगर उस पर नेक डिज़ाइन या स्लीव डिज़ाइन या दामन डिज़ाइन अच्छा बना लेंगे तो आपका सूट बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। दरमियान से इस तरह से एक्स्ट्रा पेज हम कटिंग करेंगे और नीचे वाली साइड से भी कटिंग करने के बाद जो कुर्ती है पर नेक हमने बनाया है इस तरह से रखते हुए किनारे पर सिलाई लगा देंगे। एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, दरमियान में जो पट्टियों के ऊपर हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत ही पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू न्यू डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करते रहें। इस तरह मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद अब हम दरमियान में बैंड बनाएंगे। इस तरह से कलर बनाने के लिए हमने पेस्टिंग बुकरम दिया है। 13 इंचेस की लंबाई है और 1.5 इंचेस की चौड़ाई है। एक साइड से हम इस तरह से इसको राउंड करेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम इसको कपड़े पर आयरन काट लेंगे। इस तरह से कपड़े पर आयरन करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और डोरी जो हमने बांधने के लिए बनाई है इस तरह से दरमियान में रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों किनारों पर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पर भी ऐसे दरमियान में डोरी रखते हुए किनारे पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और पांचा डिज़ाइन के बारे में अपलोड की हैं। इसके अलावा कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं और कंप्यूटर मशीन चलाने का मुकम्मल तरीका बताया है कि यह कैसे चलती है और क्या क्या काम करती है। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम ऊपर वाली साइड पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको नेक पर लगाएंगे। इस तरह से दरमियान में इस तरह से रखते हुए इस तरह से इसका दरमियान करेंगे और नेक का दरमियान करेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। यह राउंड में इसलिए सिलाई थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे, लंबी सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़ कर सीधा करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगाएंगे।
एक साइड से लगाने के बाद ऐसे ही दूसरी साइड पर लगाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से दोनों किनारे फोल्ड करने के बाद किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। इस तरह से देखें, बहुत ही खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।